अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आई होप कि आप लोग सब मजे में होंगे। तो गाइस ये चेक करें भाई, इधर क्रिकेट चल रही है भाई, और इधर एक और चीज दिखाऊं, खरगोश बड़े मजे से बैठ के इनका मैच देख रहे हैं। वाह यार, मुझे करवाओ, मैं खेलूंगा, जाओ। एक हाथ से खेल रहा हूँ भाई, एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ। ओ भाई छक्का दिस टाइम, खरगोश छुप गए भाई मेरे छक्के से। ये रे, चल 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 बॉल करा भाई, एंड दिस टाइम बॉल फेंक दी इनकी, बॉल फेंक दी यार, क्यों फेंकी? हम लोगों को खेलना था। तो गाइस भाई अभी सीन ऐसा है, मेरा नाश्ता भी लग चुका है, देखते हैं आज नाश्ते में क्या है। नाश्ते में भाई आज अंडा, साग, चाय, कुलचा, सिमसिम, पराठा। भाई नाश्ते में साग खाने का तो मजा ही अलग है। मैंने तो नाश्ता वाश्ता कर लिया भाई, और तुम लोग ले आए दोबारा बॉल? हाँ, बॉल ले आए, हम लोग छत पे चढ़ो ले आए। देख लो भाई ये बंदा रहे, कहीं भी चढ़ जाते हैं। तो गाइस अभी सीन ऐसा है, ये देखो यार मेरी दाढ़ी वाड़ी बहुत बड़ी हुई और मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो आज मैंने सोचा जाऊं और यार थोड़ी सेटिंग वेटिंग करवा के आऊं। अभी जा रहा हूं मैं, थोड़ी बार्बर शॉप पे सेटिंग वेटिंग करवाते हैं यार। आज मैं चला गया था खत बनवाने के लिए, तो भाई साहब वहाँ पहुँचाऊँ और दुकान ही बंद थी भाई, तो अभी घर पे आ गया हूँ वापस। अभी यहाँ पे थोड़ा तेल शेल की मालिश करते हैं और फ्रेश होते हैं। मैं रेडी शेडी हो गया और सीन हो गया भाई। अली कहाँ है? यहाँ पे देखो, अली यहाँ बैठा हुआ है, सीढ़ियों पे बैठ के रो रहा है। ये क्या हुआ है? मामा से मार पड़ी। क्यों पड़ी है मार? क्या समझ ही नहीं आ रही क्या बोल रहा है? गाइस आप लोगों को भी नहीं समझ आई ना, बता सही सही बता क्या हुआ। घर पे साग बना था, मैं नहीं खा रहा था मामा। साग नहीं खा रहा था, इसको ये पत्ते तोड़ के खिलाते। गाइस ये साग नहीं खाते, ये और अब्दुल्ला, इनकी ना जब सब्जी और साग बनती है ना, ये लोग नहीं खाते ना, इनकी होती है धुलाई, और अभी इसकी हुई है धुलाई। अच्छा क्या खाना है? क्या खाना है? मैं मंगवा के दे देता हूँ। हैं? समोसा खाना है? पेट खराब हो जाता है, बुखार हो जाता है, खांसी हो जाती है, गला खराब हो जाता है, लेकिन ये लोग नहीं समझते भाई, ये बाहर की चीजें खाते हैं। साग नहीं खाएगा मतलब? चलो यार मंगवा देते हैं इसको कुछ। मंगवा दूं? चुप हो के हंस के, वो पहले हंस के दिखा। ये कैसा हंस रहा है? हंस के बोला मंगवा दो। चलो यार गाइस मुझे तरस आ गया, मुझे मंगवा देता हूँ इसको। गाइस ये देखें भाई साहब को अभी हमने मंगवा के दिया समोसा, और रेडी शेडी भी हो गए। और भाई एक सीन हो गया यार आज ना, हमारे घर से एटीएम कार्ड गायब हो गया, पता नहीं गिर गया पापा की जेब से गिरा या क्या हुआ है। लेकिन ये देखें हम लोगों ने लिखी है एप्लीकेशन, ये पापा ने ही लिखी है, और पापा भी खा रहे हैं खाना। कब से गए हुए थे पापा भाई? बैंक गए हुए थे, वहाँ पे जाके एप्लीकेशन दी है। और भाई सीन एटीएम कार्ड तो चलो चोरी हुआ है, पैसे भी निकाल लिए किसी ने बैंक से भाई। डिटेल आई है, उसने 9:53 पे पैसे निकाले भाई, और 15,000 रुपये निकालें, शुक्र है कम ही निकालें भाई, बाकी हमने डायरेक्ट ट्रांसफ़र मार दिए और अभी एप्लीकेशन दे के आए। तो क्या बोल रहे हैं पापा, कितने दिनों में देंगे? 3 से 4 दिन में मिलेंगे। 3 से 4 दिन में हमें सीसीटीवी फुटेज मिलेगी कि किस बंदे ने पैसे निकाले हैं। तो जल्दी खा ले भाई अली, अली की साइकिल के पैसे थे वो। नहीं, वो अली की साइकिल के पैसे थे जो किसी ने निकाल लिए भाई। है। थोड़ा सा समोसा तो टेस्ट करूं मैं भी यार। हम लोग बहुत लेट हो गए, फटाफट से समोसा खा फिर हम लोग जाएंगे यार शूट पे। तो गाइस ये देखें फाकू और असद भी आ गए। कैसे हो भाई? यार फाकू को तो भाई खांसी हो रही है, फाकू की तबीयत खराब थी यार। असल में सीन पता है क्या था? आपको पता है सर्दियां आ गई हैं, मैंने पहनी थी पतली सी शर्ट, तो मेरी अम्मा ने पकड़ लिया, बोला नहीं भाई नीचे शर्ट पहना ही जबरदस्ती है देखो, और फिर आने दिया, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। और फाकू को चेक करो भाई, चादर नीचे, ये कमीज, ओ भाई साहब नीचे भी शर्ट और टोपा, और ये चेक करो भाई सलवार के नीचे सलवार पहनी हुई है। बोल लाइक करो भाई। और अली ने भी भाई कोट वोट पहन लिया। तू कुछ नहीं पहन क्या? सर्दी लगेगी? ये देखो। अच्छा इसने नीचे पहना हुआ है। तो गाइस अभी फटाफट से चलते हैं यार वीडियो शूट करने के लिए। ये देखो इधर सीन हो गया। ओए भाई
ओए भाई ओए ओए नहीं ओए फाकू और असद की लड़ाई हो गई, वो फाकू और असद की लड़ाई हो गई भाई, वो फाकू का गुस्सा चढ़ गया, फाकू फाकू इसकी कमीज उतार ले, इसने तेरी उतार ली, ओए ओए ओ नहीं ओए फाकू लग जाएगा, छोड़ दे फाकू, फाकू माफ कर दे, माफ कर दे फाकू, माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे भाई, फाकू को तो फुल गुस्सा चढ़ दे, दे दे यार इसकी चादर, दे दे यार फाकू ये रही चादर, ले ले टोपा जला दिया इसने, लेकिन ओए हेलो फाकू को भाई बहुत गुस्सा आता है, बच के रहना, आप लोग लाइक नहीं करते ना, जो हमारी वीडियो शूट हो चुकी है और थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो गया और अजाने भी हो चुकी है, नमाज भी पढ़ने जाना है, और ये लोग भाई साहब इधर ऐसे सज के बैठे हुए जैसे किसी की शादी में आए हुए और बिरयानी और कोरमे का इंतजार कर रहे हैं, अबे चलो घर पे, अभी उसने कुछ पहना हुआ भी नहीं, इसको सर्दी हीरो बना फिर रहा है, इधर इसको दो जैकेट दो, इसकी इधर ही छोड़ के चले जाएंगे जल्दी से भाई पहनाओ, तो गाइस अभी चलते हैं फटाफट से, पहले नमाज पढ़ते हैं फिर हम लोग चले जाएंगे घर, हम लोग वीडियोस वगैरह शूट करके घर पे आ गए थे, उसके बाद अली और अब्दुल्ला चले गए ट्यूशन और मैं एडिटिंग करने लग गया था, एडिटिंग वगैरह तो मस्त हो चुकी है, लेकिन सीन ऐसा था कि मैंने दोपहर में खाना नहीं खाया था क्योंकि मैंने सुबह हैवी नाश्ता कर लिया था, तो इस वजह से ना मुझे दोपहर में भूख ही नहीं लगी, तो भाई अभी मुझे जल्दी भूख लग गई है और मैं पहले ही खाना खा रहा हूँ अली और अब्दुल्ला से, और खाने में आज हमारे पास बना है भाई चिकन कढ़ाई, दिखने में तो भाई बड़ी टेस्टी लग रही है और मेरे मुँह में भी पानी आ रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है, तो गाइस फटाफट से खाना खा लेता हूँ मैं फिर आप लोगों से मिलते हैं, तो गाइस अली और अब्दुल्ला आ गए ट्यूशन से और अभी ये दोनों खा रहे हैं खाना, दोपहर को भी ना अली ने खाना नहीं खाया था, समोसा मंगवा के खाया था है ना, तो इसलिए मामा ने अभी चिकन कढ़ाई बनाई है, और गाइस इधर आ गई है मेरी चाय गर्मा गर्म, तो फटाफट से मैं पी लेता हूँ चाय, और अली आपकी पढ़ाई शढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है, मैंने सुना है टीचर से कल मार भी पड़ी थी, कल तो संडे था परसों मार पड़ी थी आपको, गाइस अभी हमारा सोने का टाइम हो गया, हमारा नहीं मतलब कि अली का, मैं तो भाई अभी जागूंगा और अली सो रहा है, नींद आ रही है अली को, तो भाई इस व्लॉग को अली से एंड करवाते हैं, एंड कर दो, तो गाइस यार आज जो यार तुम्हारे भाई के साथ सीन हो गया, मामा ने मुझे मारा यार, क्यों मारा बताऊं, साग घर पे साग पका हुआ था मैंने नहीं खाया है, दिन में मैंने खाना ही नहीं खाया, मामा ने मुझे इतना मारा मैं रोया था ना, और आज जो है ना फाकू को गुस्सा चढ़ गया यार, फाकू ने असद को सही पकड़ के मारा भाई, असद भी तो उसके साथ मजाक करता रहता है यार, उसकी कमीज जलाने लगा था भाई, और यार इसी व्लॉग को मैं यहीं पर करने लगा हूँ, एंड आई होप क्या सब व्लॉग पसंद आएगा, तो इसलिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करें, ठोकी जो यार तुम्हारे भाई को यार मामा ने मार पड़ी यार, इस नाम का तो यार करी दो लाइक सब्सक्राइब यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय।